हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे माय टॉपिक इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसके बारे में आप कंप्लीट नॉलेज आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू इट्स सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, इज कॉल्ड डाइजेशन। मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, इनको आप उनके सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही कहलाता है डाइजेशन। मीन्स इस कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड। ऐसे लिपिड्स का सिंपल फॉर्म क्या है? फैटी एसिड। तो ये पूरा कंप्लीट इस फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो ये डाइजेशन के लिए पूरे एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? एलिमेंट्री केनाल से। यानी सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम बना किससे होता है? एलिमेंट्री केनाल से। एलिमेंट्री केनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है? तो देखिए, एलिमेंट्री केनाल है स्टार्ट फ्रॉम द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है? ये बक्कल कैविटी, जब भी हम अपना माउथ ओपन करेंगे तो आपको अपने माउथ के अंदर पूरे के अंदर एक कैविटी दिखाई देगी, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। और ये लास्ट कहाँ पे होता है एलिमेंट्री केनाल का? वो होता है एनस पे। तो बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल कैविटी में आपको जब भी अपना माउथ ओपन करेंगे क्या दिखाई देगा आपको? माउथ। माउथ जो है, माउथ के अंदर आपको दिखते हैं टीथ है, टंग है। तो टीथ जो है, टीथ के बारे में आप देख सकते हो टीथ को कि आपके इसमें कितने टीथ होते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो आपके हैं 32 इन नंबर्स, लेकिन अगर आप बच्चे, मिल्क टीथ है, वो होते हैं 20। तो जो टीथ हैं वो तीन फॉर्म में होते हैं, थीकोडोंट, डायपायोडोंट एंड हेट्रोडोंट। थीकोडोंट मीन्स ऐसे टीथ, हर टूथ है जो किसमें फंसा हुआ है? सॉकेट ऑफ जॉ में। इस कंडीशन को हम बोलते हैं थीकोडोंट। डायपायोडोंट मीन्स ऐसे टीथ जो अपने पूरे लाइफ टाइम में, यानी कि पूरी लाइफ टाइम में टीथ कितनी बार आते हैं? दो बार। टू टाइम्स में अगर टीथ आए तो उसको हम बोलते हैं डायपायोडोंट कंडीशन। डाई मीन्स टू, फाइव मीन्स लाइफ एंड डोंट मीन्स टूथ। तो इस तरह से डायफायोडोंट पूरे लाइफ टाइम में दो बार टीथ हैं, जैसे अगर एक बार मिल्क टीथ है, एक बार एडल्ट टीथ है। तीसरा है कंडीशन हेट्रोडोंट। तो हेट्रोडोंट मीन्स, अगर हेट्रो का मतलब है क्या होता है? डिफरेंट। डोंट मीन्स मैंने अभी आपको बताया था टूथ, तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं? जैसे इनके नाम है इंसाइजर, कैनन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसाइजर क्या होते हैं? इंसाइजर जो हैं वो कितने नंबर्स में होते हैं? फोर इन नंबर्स, यानी कि टू अपर जो में एंड टू लोअर जो में। तो इस तरह से इंसाइजर कितने हैं? फोर। कैनन्स हैं, कैनन्स कैसे? नुकीले दांत होते हैं, तो ये कैनन हैं, ये कितने होते हैं? टू इन नंबर। प्रीमोलर्स हैं, ये कितने हैं? फोर इन नंबर, टू अपर जो में एंड टू लोअर जो में। एंड जो मोलर्स हैं, जो जबड़े हैं आपको दिखाई देते हैं जिनसे आप अपना फूड को च्यू करते हैं, ये होते हैं मोलर्स। तो ये कितने हैं? थ्री एंड थ्री, यानी थ्री अपर जो में एंड थ्री लोअर जो में। तो इस तरह से ये पूरे टीथ का नंबर्स है, कितने इंसाइजन हैं, कितने कैनन हैं, कितने प्रीमोलर्स हैं एंड कितने मोलर्स हैं। तो इस तरह से एक एडल्ट एंटर फॉर्मूला है वो निकालेंगे हम। तो ऐसे निकालते हैं 4 2 4 4 2 4 6 अपॉन 4 2 4 6। तो इसको हम जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा निकलेगा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो ये है एक एडल्ट डेंटल फार्मूला। ये अक्सर कई एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम मिल्क टीथ डेंटल फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर मिल्क टीथ डेंटल फार्मूला होता है 2 1 0 2। है एक लॉन्ग ट्यूब है जो पासिक होती है, कहाँ से? नेक से, थोरेक्स से एंड डायफ्राम से, और जे शेप पैग लाइक स्ट्रक्चर स्टोमक में जाके ये ओपन हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस का मेन फंक्शन क्या है? जो भी हम फूड खाते हैं वो तो फूड किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? बोलस फॉर्म में। और बोलस मतलब फूड को जो टीथ है या टंग है वो तो सब किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? बोलस फॉर्म में। तो ये बोलस फॉर्म है, ये ओसोफेगस में से पास होता हुआ किसमें चला जाता है? स्टोमक में। तो इस तरह से ओसोफेगस का मेन फंक्शन होता है फूड को पास आउट कराना। इसके लिए एक मूवमेंट होता है, वो कौन सा मूवमेंट है? पेरिस्टेलिक मूवमेंट। जैसे कैचुए की गति होती है, अभी आपने कभी कैचुए को देखा होगा गति करते हुए, कैसे गति करता है वो? मसल से। तो सेम हियर, यहाँ पर भी उसका फेगस में क्या है? मसल से, पेरिस्टेलिक मूवमेंट से फूड है वो स्टमक में एंटर कर जाता है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है गैस्ट्रो ओसोफेगियल स्फिंक्टर है, ये क्या करते हैं? ये
रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द ओसोफेगस मीन्स, यानी जो फूड है वो ओसोफेगस में से पास आउट हो रहा है तो ये बैक फ्लो ना हो जाए, इसको ये इसमें गैस्ट्रो ओसोफेगल स्फिंक्टर है, ये क्या करते हैं उस फूड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं। अब है स्टोमक। स्टोमक क्या है, एक जे शेप्ड दिख रहा है आपको, जैसी शेप है इसकी, बैग लाइक स्ट्रक्चर है और कंसिस्ट है थ्री मेन रीजन से, कार्डियक, फंडिक एंड पायलोरिक रीजन। ये जो कार्डियक रीजन है, इसका नाम कार्डियक क्यों दिया गया, क्योंकि ये क्या है हार्ट के बिल्कुल पास में होता है ये वाला रीजन, इसलिए इसका नाम दिया गया कार्डियक रीजन। तो आई होप आपको ये बायोलॉजी, मैंने कहा है कि बायोलॉजी पढ़ने के लिए अगर वर्ड कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट, एंड ओसोफेगस है ये ओपन किस में होता है कार्डियक रीजन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आ सकता है कि जो ओसोफेगस है वो किस में ओपन होता है, किस ओपन किस में होता है कार्डियक रीजन में। ये पूरा टोटल एनसीईआरटी बेस्ड मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये एनसीईआरटी की बुक का ही मैटर है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस पर आप कभी भी ध्यान नहीं देते कि ओसोफेगस है। आजकल इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि ओसोफेगस किस में ओपन होता है, उसमें कई ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको किस रीजन में ओपन होता है ये ध्यान रखना है, कार्डियक रीजन में। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है किससे, कितने पार्ट से बनी है, थ्री मेन पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, किस किस क्या क्या पार्ट हैं, ड्यूडोनियम, जेजिनम एंड इलियम। ड्यूडोनियम कैसी होती है, ये आपको दिख रही है ड्यूडोनियम, ये ड्यूडोनियम बहुत ही शॉर्ट है, और ये पायलोरिक जो रीजन है स्टोमक का वो किस में ओपन हो रहा है, ड्यूडोनियम में। तो ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि पायलोरिक रीजन किस में ओपन होता है, ड्यूडोनियम में। जेजिनम है ये एक मिडिल पार्ट है, देख सकते हो आप डायग्राम में, जेजिनम कैसा है मिडिल पार्ट है, एंड इलियम कैसा है हाईली कोइल्ड पार्ट। ये इलियम जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली कोइल्ड पार्ट है, इसी में एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, फूड को एब्जॉर्ब करना, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और वो माइक्रोविलाई क्या करते हैं फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टोमक में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी, अभी हम पूरा एक सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो पहले हम सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद एक एक उसके फंक्शन समझेंगे। तो जेजिनम है एंड इलियम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स हैं कीकम एंड कोलोन। कीकम में है क्या होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जैसे कि हम हर्बीवोरस होते हैं उनमें क्या होते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, तो वो कीकम है। हमारे यहाँ कैसी है ये, एक तरह की कीकम के पास ही एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, जो कैसा है एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। एंड कोलोन क्या है, इट हैज़ थ्री पार्ट्स, कोलोन के तीन पार्ट्स हैं असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन। और डिसेंडिंग कोलोन है ये किस में ओपन हो रही है, रेक्टम, रेक्टम और लास्ट रेक्टम किस में ओपन होता है, एनस में। तो ये कम्प्लीट आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे के सारे फंक्शंस हैं इसके, ये कैसे वर्क करता है पूरा सिस्टम, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा